नमस्कार, मैं दिबांजलि मुइत्रा। चकाचौंध भरी शोहरत की दुनिया में क्या हर चमकता चेहरा उतना ही रोशन होता है जितना पर्दे पर दिखाई दे? यकीनन ऐसा लग तो नहीं रहा। शोहरत देने वाला शहर मुंबई, जहां कदम रखने की भी जगह नहीं, वहां भीड़ में भी हर कोई तन्हा दिखाई देता है। कभी दूसरों की स्क्रिप्ट पर अभिनय करने वाले सुशांत सिंह राजपूत भी कामयाबी के शिखर पर थे। हर तस्वीर में मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो अपनी मौत को खुद गले लगा लेंगे। बीते रविवार सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में सुसाइड कर लिया। सुशांत ने अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड की वजह क्या है अभी इस बात की जानकारी नहीं है। वही कुछ लोग इसे मर्डर भी मान रहे हैं। 34 साल के सुशांत सिंह राजपूत के यूं चले जाने से पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। वही अब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर अक्षय कुमार ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, ईमानदारी से कहूं तो इस खबर ने मुझे शॉक कर दिया। मेरे पास शब्द नहीं। मुझे याद है कि मैं हाल ही में छिछोरे में सुशांत सिंह राजपूत को देख रहा था और अपने दोस्त साजिद और इस फिल्म के निर्माता से बता रहा था कि मुझे फिल्म देखकर कितना मजा आया, काश मैं इस फिल्म का हिस्सा होता। ऐसा प्रतिभाशाली अभिनेता, भगवान उनके परिवार को शक्ति दे। बता दें कि अक्षय कुमार के अलावा कई बॉलीवुड स्टार्स सुशांत सिंह राजपूत की मौत से सदमे में। अजय देवगन से लेकर अनुपम खेर तक कई स्टार्स ने सुशांत की मौत पर दुख जताया। सुशांत सिंह राजपूत पटना से आते हैं, जिन्होंने अपने करियर में बिना किसी गॉडफादर इंडस्ट्री में छोटी ही उम्र में सम्मान पाया। वो आज के समय में टॉप स्टार्स की सूची में शामिल थे। ऐसे दिग्गज के जाने पर बॉलीवुड के तमाम सितारे हैरान हैं। सुशांत सिंह राजपूत के करियर की सबसे बड़ी फिल्म स्पोर्ट्स बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मानी जाती है। इस फिल्म में उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई थी। वही उनकी सफल फिल्मों में केदारनाथ और छिछोरे के अलावा भी कई फिल्में शामिल हैं।